तो हम लोगों ने कहा कि सर ठीक बात है, आप भी चाहते हैं कि वेतन हो, लेकिन कब तक? अब तो 8 महीना हो गया है। हम लोग गए उससे मिले तो बोला कि ठीक है, आप लोग का पेमेंट तो हम नहीं रोके हैं, रोका है डीपीओ से जाइए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। पंचायत शिक्षकों और प्रखंड शिक्षकों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट का आदेश भी हुआ था, इसको लेकर कुछ समस्याएं हुई थी, उसको लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से आदेश आया था कि 60 दिनों के भीतर इन लोगों का वेतन का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन अब तक इन्हें इनका वेतन नहीं मिल पाया है। इस दौरान लॉकडाउन भी शुरू हो गया था, लॉकडाउन में इनकी स्थिति बहुत बुरी रही, पैसे के लिए मोहताज हो गए, परिवार परेशान रहा। आज ये लोग फिर से एक बार जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं, इनकी उनसे बात हुई है। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या बात हुई है और किन किन समस्याओं को लेकर इन्होंने वहाँ पर अपना ये रखा, पक्ष रखा है। क्या बात हुई, आपका नाम क्या हुआ? नागमणि हुआ। हाँ बताइए, तो क्या क्या बात हुई है? दूरभाष पर हम लोग को सूचना मिली थी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हम लोग से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये दिया गया था कि हम लोग को अब वेतन नहीं मिल रहा है, जो हम लोग आमरण अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। तो अंदर में डीओ साहब से यही बात हुई कि वो बोले कि हम भी चाहते हैं कि आप लोग का वेतन हो। तो हम लोगों ने कहा कि सर ठीक बात है, आप भी चाहते हैं कि वेतन हो, लेकिन कब तक? अब तो 8 महीना हो गया है। तो वो बोले कि हम मैंने अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभाग को लिख चुके हैं, लेकिन जहां तो हमने कहा कि सर कम से कम कार्यरत अवधि का भी भुगतान, या कब तक आपकी अग्रेतर कार्रवाई का मैंने जो ये मार्गदर्शन मांगे, कब तक इसका रिपोर्ट आएगा? तब तक तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो डीओ साहब ने ये मैंने आश्वासन दिया है कि हम ये प्रयास करेंगे डायरेक्टर महोदय से कि तब तक इन लोगों का जो है, जब तक हमने मार्गदर्शन मांगा है तब तक नहीं आता है, तब तक इन लोग का। कितने दिनों का उन्होंने समय दिया है? आप समय डीओ साहब बोले कि लगभग जो है 3 से 4 सप्ताह आप लोग हम लोग को दीजिए, तो उम्मीद है कि 3 से 4 सप्ताह में हम लोग आपके मामले का सॉल्यूशन कर देंगे। तो अभी आप लोगों ने कहा कि आप लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, उसको लेकर क्या सोचा है आपने इस आश्वासन के बाद? तो यही सोचे हैं कि सब लोग आपस में निर्णय लिए हैं कि जब इन डीओ साहब को भी इतना समय दे दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग सुनने वाले किसी की नहीं है। आप लोग, आप भी तो शिक्षक हैं ना? क्या नाम हुआ, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरा सोनवा पोस्टिंग है सर। अच्छा, क्या नाम हुआ? बेबी कुमारी। अच्छा, क्या बात हुई डीओ साहब से, क्या बात हुई? हम लोग गए उससे मिले तो बोला कि ठीक है, आप लोग का पेमेंट तो हम नहीं रोके हैं, रोका है डीपीओ से जाइए। फिर हम लोग बोलने लगे सर हम लोग का आर्थिक स्थिति ऐसा है कि हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे। तो बोला ठीक है, आप लोग का आर्थिक स्थिति तो देख रहे हैं, लेकिन आदेश के अनुसार आप लोग का मिला जाएगा। आप लोग इतना समय रहे लेकिन कम से कम 4 हफ्ता और। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। अच्छा, अभी 60 दिन का लॉकडाउन बहुत लंबा पीरियड होता है, आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, 8 महीना बता रहे हैं कि 8 महीना से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, कैसे क्या गुजारा हो रहा है, क्या परेशानियाँ हो रही है? हम लोग भूखे हैं कि इस मतलब पेमेंट 8 महीना से नहीं हो रहा है, तो हालत तो खराब है ही ना, पेमेंट होता है जर्जर है, पूरा जर्जर हालत, पूरा जर्जर हालत है। 1 रुपया के लिए हम लोग तरस रहा है एकदम, जल्द से जल्द भुगतान करने की कृपा करें। और क्या, 3-4 सप्ताह का समय डीओ साहब ने लंबा लिए हैं सर, इस सप्ताह बहुत लंबा हम लोग के लिए, 8 मंथ तो हो चुका है, तो बहुत जल्द से जल्द करवाई थोड़ा सा हम लोग को सुने, और क्या जल्दी सुने। तो देखा आपने, ये पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जिला शिक्षा कार्यालय पहुँचे हुए हैं, डीओ विजय कुमार हिमांशु से इन लोगों ने बात की है और आश्वासन इन्हें मिला है। ये बता रहे हैं कि बहुत कठिनाई से इनका जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी में जीवन यापन हो रहा है, लॉकडाउन का भी पीरियड है, पैसे की किल्लत है। आइए हम बात करते हैं, हम चलेंगे जरा इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। डीओ जो हैं जम्मू के विजय कुमार हिमांशु, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू के जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु, हम उनसे बात करेंगे, शिक्षकों की जो अभी समस्याएं चल रही है उसको लेकर उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर क्या क्या चल रहा है, क्या इस तरह का ये मामला था कि 31-15 के बाद आप प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्त का नियोजन नहीं होना है, लेकिन इस जिला में कुछ नियोजन इकाई के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन कर लिया गया है।
तो निदेशक विभागीय निदेश के आलोक में उनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। ये लोग उसके विरुद्ध न्यायालय गए थे, न्यायालय से एक आदेश प्राप्त हुआ है, उसके विरुद्ध विभाग के द्वारा LPA दायर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच इन शिक्षकों के कार्यरत अधिक के वेतन भुगतान के संबंध में हम लोग विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी सर जैसे हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, इन लोगों ने अपील किया था, उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आया कि 60 दिनों के अंदर इनका वेतन का भुगतान कर देना है, उस पर सर क्या करना चाहिए? उसी के विरुद्ध हम लोग LPA में गए हैं, अपील फाइल किए हैं और वो प्रक्रिया के अंतर्गत है अभी। लेकिन शिक्षकों का आग्रह है कि हमारे कार्यरत अधिक के वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए, उसी के संबंध में मार्गदर्शन हम लोग विभाग से मांगे। अभी सर शिक्षकों से बात हुई तो उन लोगों ने जैसा कि बताया कि अगर ये नहीं होते 28 तारीख से वो लोग अमरन अनशन पर बैठेंगे, तो इसके लेकर आप लोगों ने क्या क्या सर आश्वासन दिया है उनको? तो उन अनुरोध हम लोग यही किए हैं उनसे, वही अपील किए हैं कि हम लोग विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, जैसे आ जाएगा इनकी समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अपना विभागीय निर्देश के आलोक में हम लोग जो भी कार्रवाई उनके पक्ष में होगा हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु, बता रहे थे कि विभागीय कार्रवाई के लिए इन्होंने आगे भी चिट्ठी भेजी है, वहाँ से जवाब आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव ही परिणाम आएंगे। और इन्होंने अनुरोध भी किया है शिक्षकों से कि वो लॉकडाउन के पीरियड में ये अनशन जैसी कार्रवाई को अपना ये नहीं बनाएं, हथियार नहीं बनाएं, वो जल्द ही इनको पॉजिटिव रिजल्ट कुछ मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि सर ठीक बात है, अभी चाहते हैं कि वेतन हो, लेकिन कब तक? अब तो 8 महीना हो गया है। हम लोग गए उससे मिले तो बोला कि ठीक है, आप लोग का पेमेंट तो हम नहीं रोके हैं, रोका है DPO से जाइए।